यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज की माता राजमाता जिजाऊ का जन्म हुआ, वहां हमारी सभा हुई और वहां हमने कहा कि महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र के ऊपर कुछ लोग दिल्ली से आक्रमण करना चाहते हैं, गुजरात से आक्रमण करना चाहते हैं, लेकिन महाराष्ट्र ने जिस तरह से औरंगजेब का आक्रमण खत्म कर दिया, लड़ाई की और औरंगजेब को महाराष्ट्र में ही फिर उसकी कब्र हमने मनाई, इसी तरह से आक्रमण भी हम खत्म करेंगे, यहाँ औरंगजेब का एटीट्यूड नहीं चलेगा, तो यहाँ मोदी जी कहाँ आए? जो संजय राउत जी ने औरंगजेब और अफजल खां की बात कही है, तो मैं पूछना चाहता हूं औरंगजेब की तरफ का कौन है जिसने दिल्ली के लुटियन जोन में औरंगजेब के पूरे खानदान के नाम पर सड़कें रखी हैं? आप उसके साथ खड़े हैं? अभी आपकी महाविकास अघाड़ी सरकार में एक ऐसे व्यक्ति को राज्यसभा भेजा गया जिसने औरंगजेब की कब्र पे जाकर आंसू बहाए, रहमतुल्लाह सले बोला और शिवसेना ने समर्थन देकर उसको राज्यसभा में भेजा। किस विरासत की बात कर रहे हैं? और मैं उनको चुनौती देकर पूछना चाहता हूं, मणिशंकर अय्यर ने बोला था जब राहुल गांधी जी के सक्सेशन की बात कही थी, सारे लोग जाके टीवी पे वो बाइट निकाल के देख रहे हैं, उन्होंने कहा था शाहजहां के बाद औरंगजेब ही बना था, तो इसमें कौन से आश्चर्य की बात है? ये 2017 की बात है कि राहुल गांधी सक्सेसर बन रहे हैं, औरंगजेब से कौन तुलना कर रहा है? और मैं शिवसेना को, जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत से निकली बाला साहब ठाकरे जी की विरासत का आधार खो चुकी है, उन्हें मैं चुनौती से पूछना चाहता हूं कि शिवाजी के समय में औरंगजेब के लिए उनके राजकवि भूषण ने यह बात कही थी, आज वो बोल के दिखा दें। उन्होंने कहा था, शिवाजी के दरबार में कहा गया था, कुंभकर्ण असुर अवतारी औरंगजेब, काशी और प्रयाग में दुहाई फेरी रब की, तोड़े देव देवालय शहर मोहल्ले के रे, लाखों मुसलमान की ये माला तोड़ी सब की, और काशी करबला होती मथुरा मदीना होती, शिवाजी ना होते तो सुन्नत होती सब। बोलिए, आप बोल सकते हैं? आप उनके साथ खड़े जिन्होंने किताबों में औरंगजेब को महिमा मंडित किया और शिवाजी महाराज के लिए लिखा लूट ऑफ सूरत, इस ढंग के शब्दों का प्रयोग किया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं देश की जनता के सामने, दूध का दूध पानी का पानी है, कौन औरंगजेब की विरासत के साथ खड़ा है और कौन शिवाजी की विरासत के साथ खड़ा है। तो उनका डिक्शनरी अलग है, हमारा डिक्शनरी अलग है, हमारी देशभक्ति और राष्ट्रवाद की डिक्शनरी है, उनकी स्वार्थ की डिक्शनरी है, उनकी राजनीतिक डिक्शनरी है। आप प्रधानमंत्री हो, प्रधानमंत्री पद की गरिमा रखो, ये रोना धोना बंद करिए, बहुत हो गया 10 साल, लोगों ने आपका रोना धोना देख लिया है। प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति घृणा, वैमनस्य, कुंठा, ईर्ष्या, इन सारे विचारों को लेकर जो कुछ भी कहा जा रहा है, ये भारत की 140 करोड़ जनता का ही अपमान नहीं है। आज प्रधानमंत्री जी विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, आप कहां बोल रहे थे और कहां पे वो दिखाई पड़ रहे हैं? मोदी जी के विराट व्यक्तित्व पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने जा रहा है, जिसे रामचरितमानस की एक पंक्ति है, बूंद अघात सहे गिर ऐसे, खलके वचन संत समझ ऐसे। जैसे विराट पर्वतों के ऊपर कोई पानी की बूंद गिरती है तो दुष्ट लोग जिस समय किसी सत्पुरुष के लिए खराब वचन का प्रयोग करते हैं तो जैसे पानी की बूंद गिरती है, वो नीचे चली जाती है, उस विराट पर्वत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसी प्रकार मोदी जी के विराट व्यक्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, देश की जनता उस विराटता को और शक्ति नित्य प्रदान करती रहेगी। देव राखे देवल, स्वधर्म राखे घर में, अर्थात देवताओं को देवस्थान में और स्वधर्म को घर में। आज मैं पूछना चाहता हूं, मोदी जी ने यही तो किया है, मुगलिया मानसिकता वालों को मोड़ के रखा हुआ है, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के साथ राम का नाम हम लोगों ने अपनी जिह्वा पर रखा हुआ है, भारत के विरोधियों को जो आतंकवाद के धमाके करते घूमते थे 26/11 के हमले, उनको अपनी हद में रखा हुआ है और देवता देवस्थान में सुशोभित हो रहे हैं, काशी विश्वनाथ हो, महाकाल का कॉरिडोर हो या श्री राम जन्मभूमि हो, और सब लोग अपने स्वधर्म का पालन कर रहे हैं। बहुत स्पष्ट है कि जो आप कह रहे हैं हकीकत में आप पूरा 180 डिग्री का टर्न लेकर वहां जा चुके। इसलिए मैं पुनः कहना चाहता हूं, राहुल गांधी जी ने शिवाजी पार्क पर भाषण किया और शक्ति का जिक्र किया, एक शक्ति मोदी जी के पीछे, मोदी वो शक्ति के नाम पर रोने लगे, देखो देखो शक्ति 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 के नाम पर, अघोरी शक्ति,
धन शक्ति, उस बारे में राहुल जी ने कहा कि मोदी जी के पीछे एक धन शक्ति है, एक अघोरी शक्ति, दैवी शक्ति नहीं अघोरी शक्ति है। तो मोदी जी रोने लगे, बार बार उनको रोने की जो आदत है वो ठीक नहीं है, देश के प्रधानमंत्री है, ये रोना धोना बंद करना चाहिए। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति ईर्ष्या के कारण भाषा रोज एक नए निचले और छिछले स्तर पर जाती हुई दिखाई पड़ रही है। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि भाषा की मर्यादा, अपने मन की भावना कुंठा को घृणा के इस पैमाने पर मत आने दें। परंतु मैं अभी स्पष्ट करना चाहता हूं, देश की जनता जनार्दन के रूप में एक एक गाली को गिन रही है। जैसे महाभारत में भगवान कृष्ण ने शिशुपाल की 100 गालियों तक गिना था और उसके बाद अपना निर्णय सुनाया था, तो आज भी जनता जनार्दन के रूप में इन सारी बातों का प्रत्युत्तर प्रभावी ढंग से देगी।